अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों को सिखा रहा हूँ चॉकलेट कंट्री केक। इसकी बेस भी डिफरेंट है, उसकी फ्रॉस्टिंग भी डिफरेंट है। अच्छा, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ बेस। बेस के लिए जो मैंने लिया है वो टू पाउंड का जो है मैंने वो मोल्ड लिया है 8x8 का राउंड शेप में। इसमें पेपर लगा लिया, इसको ग्रीस करके इसको रख दिया। और दूसरा इसमें मैं यूज कर रहा हूँ हेज़लनट। हेज़लनट अगर आप लोगों को मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल डिफरेंट आएगा। अगर हेज़लनट नहीं है, आप इसमें आलमंड भी यूज कर सकते हैं, पिस्ता भी और काजू भी यूज कर सकते हैं, वॉलनट भी यूज कर सकते हैं, सब चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हेज़लनट का वो एक अपना टेस्ट है। और दूसरा इसमें मैं यूज कर रहा हूँ क्रम, ठीक है। केक का ब्राउनी का जो सॉफ्ट वाला क्रम होता है, चूरा जिसको कहते हैं, वो ले लें एक। जो ये मेरे पास जो है, जब भी मैं इवनिंग विद शीरी में प्रोग्राम करता हूँ, जो भी मेरी ब्राउनीज वगैरह जो एक्स्ट्रा होती है वो मैं किसी भी चीज को मैं वेस्ट नहीं करता, उसको मैं फ्रिज में रख देता हूँ। वो यहाँ हफ्तों हफ्तों जो है वो खराब नहीं होती, वो पैक करके उसको रख देता हूँ। तो ये मैंने लिए, इसको मैंने बारीक कर लिया, इसको चूरा कर लिया, वो इसमें यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसमें लूंगा सॉफ्ट बटर। आप लोगों ने इसमें बटर ही यूज करना है, क्योंकि बटर का टेस्ट भी एक अपना होता है, ठीक है। और इसमें मैं हाफ जो है, जितनी भी क्वांटिटी में शुगर लिखी होगी उसकी हाफ आपने इसमें डाल देनी है, ठीक है। और इसको आपने क्या करना है, बीट करना है स्लो स्लो, ठीक है। स्लो से स्टार्ट करना है आपने, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने स्पीड बढ़ा देनी है। अच्छा, जब ये क्रीमी हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, एक एक करके आपने इसमें एग योक ऐड कर देनी है। एग योक ऐड कर दिए, ठीक है सारी। अब क्या करेंगे, इसमें मेल्ट की हुई चॉकलेट जो है वो ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने मिक्स कर लिया और इसको निकाल देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, बाकी चीजें जो है वो इसमें हम ऐड करेंगे। जैसे इसमें हेज़लनट है वो ऐड कर दिया है मैंने, बेकिंग पाउडर और साथ ही इसमें मैदा और इसमें क्रम। ब्राउनी का सॉफ्ट वाला ले लीजिएगा तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है जी। अब इसको क्या करेंगे, हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसकी एक वाइट और शुगर को एक साथ जो है वो हम बीट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें एक बाउल में जो है वो एग वाइट डाल देंगे और इसको बीट करेंगे थोड़ी देर। जब ये बीट हो जाए फिर आपने इसमें शुगर ऐड कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से शुगर ही होनी चाहिए बस। जब शुगर, अच्छा इसमें डालिएगा कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर ये होती है कि जल्दी जो है वो इसमें जो है हल हो जाती है, ठीक है जी। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, पहले थोड़ा सा डालेंगे फिर इसको मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगी तो फिर ये दूसरी वाली भी सब डाल के फिर इसी तरीके से इसको मिक्स करना है आपने। ठीक है, ये अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब क्या करना है, इसको मोल्ड में डाल के, अच्छा इसको 180 पे मैं बेक करूंगा और ये कम से कम 35 से 40 मिनट तक के ये बेक होगा। अच्छा, अगर इसको आप लोग पतीले में भी बेक कर सकते हैं, बस पतीले को आप पहले से प्री हीट कर दीजिएगा। जब वो अच्छी तरह प्री हीट हो जाए, कम से कम 15 से 20 मिनट, फिर उसके बाद फिर आप लोगों ने इसको पतीले में बेक करना। इतने में ये जब तक बेक होता है फिर हम इसके बनाते हैं फ्रॉस्टिंग। फ्रॉस्टिंग मैं तैयार करूंगा। फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम जो है वो बटर लिया है हाफ कप। 100 ग्राम ही मैंने ली है क्रीम चीज, वो भी हाफ कप। और हाफ कप मैंने ली है ब्राउन शुगर, ठीक है। ब्राउन शुगर अगर आप लोग यूज ना करना चाहें तो फिर आप इसकी जगह जो है आप नॉर्मल आइसिंग शुगर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर आपको थोड़ी सी कॉफी जो है ना, इसका कलर चेंज करने के लिए थोड़ी सी कॉफी ऐड करनी पड़ेगी। 1 टीस्पून जो है ना थिक वाली कॉफी, मतलब पाउडर लेके आपने उसको लिक्विड करना है, उसके बाद फिर आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसको मैं बीट करूंगा।
अच्छे जब ये अच्छी तरह क्रीमी हो जाए फिर आपने क्या करना है इसमें लास्ट में इसमें व्हिप्ड क्रीम, आपने व्हिप्ड क्रीम को पहले से व्हिप करके रख देना है ठीक है। इस तरीके से स्टिफ पेक होनी चाहिए और फिर आपने इसमें अच्छा इसमें आप दूसरी जो ब्लाई क्रीम मिलती है जो टेट्रा पैक में आप वो भी यूज कर सकते हैं ठीक है, वो भी इसके लिए बेस्ट है, इसका जो है वो टेस्ट उससे भी अच्छा आएगा। ये देखिए हमारी ये फ्रोस्टिंग जो है वो रेडी हो गई। अच्छा आपको इसको जो है आप लोग इसको केक के अलावा आप इसको कप केक वगैरह पे भी आप यूज कर सकते हैं, ब्राउनी की फ्रोस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, फिलिंग और फ्रोस्टिंग दोनों में यूज कर सकते हैं और इसका टेस्ट जो है वो बहुत जबरदस्त जो है इसका आता है। हमारा केक रेडी हो गया, देखिए जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको बेस पे पलट देंगे। केक रेडी हो गया, हमारी फ्रॉस्टिंग भी रेडी हो गई और ये गिनाश है, गिनाश पहले भी सिखा चुका हूँ आपको, इसकी डिस्क्रिप्शन में जो है इसका मैं लिंक सेंड कर दूंगा, आप बिल्कुल सेम वैसे ही बनाइएगा ठीक है। अब ये ठंडा होगा तो फिर इसकी फ्रॉस्टिंग करें। अच्छा ये इसको बेस से निकाल लिया, ये अच्छी तरह जब ठंडा हो जाए अच्छी तरह इसको बिल्कुल ठंडा करना है, इसको नीम गर्म भी नहीं रखना वरना क्या होगा कि ये इसकी फिलिंग जो है फ्रॉस्टिंग जो है वो मेल्ट हो जाएगी ठीक है। और आपने क्या करना है इसको अच्छा इसकी फिलिंग भी नहीं करनी होती, इसको बस टॉप पे जो है ना इसकी फ्रॉस्टिंग लगानी होती है और ऊपर से सिर्फ गिनाश जो है वो डालनी होती है। आपने गिनाश लेनी है, अच्छा गिनाश भी आपकी ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए और आपकी फ्रॉस्टिंग जो है वो मेल्ट हो जाएगी। क्रीम चीज लेनी है, ये वाली बोतल वाली, अच्छा क्रीम चीज आपने लेनी है उसकी पाइपिंग बना लेनी है। अच्छा इसमें जो क्रीम चीज मैंने यूज की है वो टप वाली इसी की है पक्की ठीक है, और ऊपर फ्रॉस्टिंग के लिए जो है ना डिजाइन के लिए ऊपर आपने बोतल वाली लेनी है। देखिए हमारा केक रेडी हो गया, अब इसको फ्रीजर में रखूंगा, ये अच्छी तरह जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसकी कटिंग करूंगा। सो इसकी कटिंग करनी है गर्म पानी से, आप लोगों ने करनी है गर्म पानी से, ये कि थोड़ा सा सही हो जाती है ठीक है। ये हमारी ये केक जो है वो रेडी हो गया, अब आप लोगों ने इसको जरूर ट्राई करना है और मुझे जरूर फीडबैक देना है। देखिए जी और बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट है साथ में फ्रॉस्टिंग के साथ। अच्छा फ्रॉस्टिंग आपकी बच जाए तो आप इसको फ्रिज में रख दें, ये 3 से 4 हफ्ते तक ये खराब नहीं होगी ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।